आज आज हमें हमारे बच्चों के घर में चोर ठहराया जा रहा है काबिरी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। बेकार की उठपटांग बातें ना कीजिए। भाई उठा दो। नहीं नंदू। हाँ, हाँ। नलू, मैंने आवाज तो नंदू को दी थी, लेकिन तू बता, तुझे शक है कि मैंने रुपए चुराए? हाँ? ना नलू? ना मुमकिन है ये। कह दी ये झूठ है, भले ये सच हो लेकिन कह दी ये झूठ है। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। तू समझती है मैंने तेरे रुपए चुराए? अप्पा, मैं बेलवलकर की बेटी नहीं हूँ, कालेकर की बहू हूँ। वो उनके पैसे थे, आपको जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते ना। यूं चोरी करके आपने अपने और मेरे दोनों के मुंह में काली पोत दी है। मैंने रुपए चुराए? मुझली देखिए, मेरी बात सुनिए, ऐसे क्रोध ना कीजिए। क्रोध ना करूं? वो अच्छे से जानती है उसके माँ बाप बूढ़े हैं, लाचार हैं। उनका क्रोध भी सुअर के धड़ के समान सड़क किनारे तड़प रहा है। मैं नट सम्राट गणपतराव बेलवलकर, मैंने अपने बेटी के रुपए चुराए। जी हाँ, गणपतराव बेलवलकर जी, आपने चुराए। अप्पा, आप ही ने चुराए रुपए। सुना आपने कुछ? मूर्ख लड़की, नट सम्राट अप्पा गणपतराव बेलवलकर, जिसने लाखों रुपए होली में रंगों में उड़ा दिए, उसने अपने बेटी के घर अपने रुपए चुराए। ओ, नहीं नहीं, सारा संसार हमारे लिए समाप्त हो गया है, केवल हम दोनों शेष हैं, केवल हम दोनों एक दूसरे के लिए। मेरी कसम है आपको, मैं जो कहती हूँ मान लीजिए। मेरी कुछ समझ में नहीं आता सरकार। मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे हैं, पर मैं जीऊंगी, मैं जीऊंगी आपके लिए। अगर मैं ठीक होती तो इसी पल यहां से निकल जाती, जिस तरह नंदू के घर से निकल पड़ी उसी तरह आपके साथ यहां से निकल जाती। लेकिन इस बीमारी से मैं बीमार हूँ, लाचार हो गई हूँ। मेरा अपने आप पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए कहती हूँ आज की रात हम यहीं रुक जाते हैं। कल सुबह होती किसी को साथ लेकर मोरवाड़ी चले जाएंगे। मैं नलू से कहूंगी हम ये घर छोड़ने के लिए तैयार हैं, पर ऐसा कलंक हमारे बात पर ना लगाओ। आज तक तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आगे भी नहीं मांगेंगे। बस हमें मोरवाड़ी पहुंचाने की व्यवस्था करो। कभी हम अपनी बूढ़ी मनसूरत शक्लें तुम्हारी गृहस्थी में नहीं दिखाएंगे। मोरवाड़ी पहुंचते ही मैं मंदिर बनवाऊंगी। हाँ, ये अमंगल स्वप्न हम भूल जाएंगे। जब तक आपका साथ है मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है। मैं मन से नहीं टूटी हूँ, बस आप मेरा कहा मानेंगे, आप शांत रहेंगे, मानेंगे ना? मानूंगा सरकार, मानूंगा। मैं अभी नलू के घर से होकर आती हूँ।
कैसे जाएंगी आप, इतनी कमजोर हैं। चली जाऊंगी दीवार के सहारे सहारे, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं सच जानना चाहती हूँ, मैं सच जानना चाहती हूँ। To be or not to be, that is the only question. अच्छा क्या है, मुसीबतों के तीरों की चोट चुपचाप मन ही मन सहना, या मुसीबतों के समंदर के खिलाफ उठ खड़े होना और उनका खात्मा कर देना, खाना पीना सोना और उसमें सपने देखना। सपने में ही तो पेंच है, सपने में मौत को देखना। मौत एक ऐसा देश जिसकी सरहद से आज से कोई मुसाफिर वापस नहीं लौटा। मौत का डर अगर इंसान के दिल में ना हो तो कौन सा है हाकिम की शेखी, घमंडी का बड़बोलापन, नाकाम इश्क के अफसाने। कौन सहे अगर मौत का डर एक पीली गठरी की तरह इंसान की रीढ़ की हड्डी को झुकाए ना देता। ओफेलिया, ओफेलिया, अपनी दुआओं में हमारे गुनाहों की माफी भी शुमार कर। हे करुणा निधान, जिन्हें जन्म दिया हमने वे छोड़ जाते हैं हमें, और तुम जिसने जन्म दिया है हमें तुम भी छोड़ देते हो प्रभु। तब ये लाचार बूढ़ा किसके दरवाजे जाए, कहां जाकर सरपट के। सुनिए मेरी बात, सुनिए, नल्लू बिटिया को, नल्लू बिटिया को गलतफहमी हुई थी। वो पर्स, पर्स अभी अभी मिला अलमारी में। वो हमने हार बेचा था ना, उसके रुपए रखे थे ट्रंक में। उसके बारे में वो नहीं जानती थी। उसने वो रुपए देखे और उसे लगा कि उसका बाप चोर है, उसे लगा उसकी माँ चोर है, यही लगा ना सरकार। नहीं, मैं रोऊंगा नहीं। अरे न्याय की इन कठपुतलियों के सामने न्याय की भीख मांगना तो दूर, अपने को बेकसूर साबित करने की भी कोई इच्छा नहीं है मेरी। मैंने रुपए चुराए, नट सम्राट अप्पा बेलवल करने रुपए चुराए, क्योंकि वो तेरा बूढ़ा बाप है, उसके पास रुपए नहीं है, लाचार है। मैंने रुपए चुराए, मैंने रुपए चुराए। मुझे माफ कर दीजिए अप्पा, लाली गुड़िया से गलती हुई अप्पा। दूर हट। नहीं अप्पा, दूर हट, दूर हट, दूर, तू मेरी लाडली बिटिया थी। अप्पा है कहाँ? एक लाडली बिटिया थी, एक खरगोश जैसा सुंदर बेटा था, और हम समझ रहे थे कि हम माँ बाप बन गए, ये हमारी औलादे हैं। अरे झूठ, सब झूठ है। औलादों के लिए माँ बाप जिंदगी में ऊपर चढ़ने की एक सीढ़ी होते हैं। अप्पा सीढ़ियां हैं हम, सीढ़ियां है। अप्पा मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हम दोनों से गलती हो गई, माफ कर दीजिए अप्पा, माफ। मेरी बात सुन लीजिए। आई आई अभी ऐसा मुझसे सहन नहीं होता, मेरे सीने में दर्द हो रहा। आई आज की रात तो आई नहीं रुक जाते, कल सुबह मोरवाड़ी चले जाएंगे। नहीं आई, मैं हारी नहीं हूँ, मैं हारी नहीं। आई मोरवाड़ी पहुँच कर मंदिर तुलसी का जोर। Oh!
मैं सुधाकर बात कर रहा हूँ राहीनगर से। अरे आधे घंटे पहले मैंने आपको कॉल किया था यार, अब तक तो मिल जाना चाहिए। जी आप मिस्टर नंदन बेलवलकर या मिसेस बेलवलकर किसी से भी बात करवाइए, इट्स वेरी अर्जेंट प्लीज। क्या क्या कह रहे? कह रहे हैं कि लाइन खराब है, 10-15 मिनट बाद ट्राई करना। हाँ, जरूरत के समय तो उनकी लाइन हमेशा ही खराब रहती है, अब एक बार और ट्राई करिए। मैं ट्राई करता हूँ। हेलो जी इंस्पेक्टर साहब, आपका कुछ नहीं? मैं और ललू हम दोनों घर पर नहीं थे, हमें सुबह होते बिठोगा ने बताया। जी जैसी कोई भी खबर है प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कीजिए। कह रहे हैं कि आसपास के सभी गांव एसटी से भी पूछताछ कर लिए, सब तरफ से रिपोर्ट आने में भी वक्त लगे। ट्रेन से तो जा नहीं सकते ना, हमने तो स्टेशन पर भी सबसे पूछ लिया और स्टेशन मास्टर तो उन्हें जानता भी है। तो मैं ट्राई करूँगा। हेलो, अच्छा नंदन, ललू नंदन का फोन है बात से नहीं होगा। हेलो नंदन, अप्पा कल रात से घर से गायब है। नहीं मैं और ललू हम दोनों घर पर नहीं थे, सुबह बिठूबा ने हमें बताया। हाँ हाँ, हमने पुलिस को खबर कर दी है और हम भी पूछताछ कर रहे हैं। क्या हुआ सुहास को? अच्छा रट लगा रखी, सुहास से कहना उसके अप्पा साहब जल्दी मिल जाएंगे। नहीं नहीं, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कोई भी खबर आती है हम तुम्हें बताते हैं, तुम्हें पता चले तो प्लीज़ हमें सबसे पहले कॉल करना। ठीक, अगर आजकल भी पता ना चले तो हम ही कल मुंबई चले जाएंगे। यही ठीक रहेगा डर सर। वो ड्राइवर वापस आ गया गाड़ी लेकर, आसपास के 20-25 किलोमीटर आसपास सभी गांव को देखा लेकिन अप्पा साहब का कहीं कुछ पता नहीं चला। कोई बात नहीं बिठोबा, तुम जाओ। एक मिनट बिठोबा, ये बैग किस लिए? सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गया, इसने नौकरी छोड़ दी कुछ देर पहले। भाई साहब ने अपना पूरा हिसाब किताब कर लिया। नौकरी छोड़ रहे हो? छोड़ नहीं रहा हूँ मैडम, ये नौकरी मैंने छोड़ दी है और ये बक्सा भी मेरा ही है, इसमें रखे कपड़े भी मेरे, ये लगता है तो खोल के दिखा देता हूँ। नहीं बिठोबा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बिठोबा कहाँ जाओगे तुम? कहाँ जाऊंगा भाई, अभी तो बस गाँव और शहर शहर अप्पा साहब की तलाश करूंगा और कुछ नहीं। हाँ पुलिस से ज्यादा रहना तुम्हें और हम लोगों से ज्यादा चिंता है। नहीं नहीं नहीं, तसा कहे नहीं, पर कहा है भाई आप ना अप्पा साहब को सिर्फ अपने पिता के रूप में देखते हो, लेकिन मैं और मेरे जैसे लाखों कलाकार देखते हैं उनको हमारे नाटक की रियासत की सम्राट के रूप में। सुधाकर